राजस्थान के भरतपुर में भारतीय सेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट शनिवार को सुबह भरतपुर के सेवर थाना इलाके के नगला वीजा में क्रैश हुआ। फाइटर जेट के क्रैश होते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और धमाके के साथ ही उसमें आग लग गई। यह फाइटर जेट एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ है। गनीमत रही कि वो गांव के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा हादसा और बड़ा हो सकता था। विमान हादसे की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दौड़े। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई है। इस फाइटर जेट ने कहां से उड़ान भरी थी ये कहा जा रहा था। इसमें कितने लोग सवार थे इनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। प्रशासन ने अपनी तरफ से वायुसेना को सूचना दे दी है। स्थानीय पुलिस को मौके पर जमा लोगों की भीड़ को काबू करने में खासा मशक्कत करनी पड़ी है। विमान गिरने की सूचना सबसे पहले खेतों में काम कर रहे किसान को मिली। किसान और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये विमान आग का गोला बनकर नीचे गिरा। जेट के गिरते ही जमीन में खड्डा हो गया और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।